अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार द्वारा डीएलडी प्रवेश शुरू नहीं किए जाने को लेकर महेंद्रगढ़ शहर में विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम नायब तहसीलदार निशा तंवर को ज्ञापन भी सौंपा। इस प्रदर्शन का नेतृत्व समाज सेवी बलवान फौजी ने किया। तो वही बता दें कि प्रदेश सरकार ने 7 नवम्बर 2022 को डीएलडी प्रवेश पर रोक लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर सभी कॉलेजों को 2023 से 2025 सत्र से डीएलडी कोर्स बंद करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद हरियाणा सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन इन मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में पहुंच गई थी। हाईकोर्ट ने मार्च 2024 डीएलडी प्रवेश पर रोक के आदेश रद्द कर दिए थे। इसके बाद प्रदेश सरकार डीएलडी प्रवेश शुरू करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसी को लेकर क्षेत्र के छात्र छात्राएं सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई और शहर में जमकर प्रदर्शन किया। उनका यह प्रदर्शन यादव सभा से शुरू होकर बालाजी चौक, परशुराम चौक 11, हट्टा बाजार, पीजी कॉलेज होते हुए लघु सचिवालय पहुंचा, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। महेंद्रगढ़ से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। हमने यादव धर्मशाला से श्री बालाजी चौक, भगवान श्री परशुराम चौक होते हुए 11 अट्टा बाजार होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे हैं। हजारों बेटियों के साथ, हजारों शिक्षकों के साथ हम यहाँ पर ज्ञापन लेकर के पहुंचे हैं, जो की जेबीटी दाखिले बंद कर दिए गए हैं हरियाणा सरकार के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व के मनोहर लाल खट्टर जी ने वो दाखिले बंद किए थे और जब आगे हमने केस किया तो केस करने के बाद माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री महोदय का नंबर आया तो वो हाईकोर्ट में हम बच्चे जेबीटी जो हमारे दाखिले हैं वो जीत चुके हैं और उन्होंने दाखिला शुरू ना करने के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, और आने वाली 14 तारीख भी है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया है। यहाँ पर बेटियों का, जो बेटियां खास करके इस कोर्स को ज्यादा करती हैं और पूरे भारत में एनसीटी का दाखिले पूरे भारत में चालू है, सिर्फ हरियाणा अकेला प्रदेश है जिसमें हम दाखिले नहीं कर पाते।